तो जई घाटी में मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहां पर जो है एनसीसी कैडेट्स भद्रवा से, सरतेंगल से, गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल, बाहला, चिंता हायर सेकेंडरी से बच्चे आए हुए हैं, कैडेट्स आए हुए हैं और इन्होंने यहां पर सफाई अभियान शुरू किया है। जो पुनीत सागर अभियान आज पूरे देश में चल रहा है उसी के तहत, उसी की कड़ी जो है भद्रवा में मनाई जा रही है। जो सेकेंड जे एंड के इंडिपेंडेंट कंपनी इसको जो है ऑर्गेनाइज कर रही है इन कोऑर्डिनेशन विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भद्रवा एंड इंडियन आर्मी फोर आर बेस्ड एट भद्रवा। तो आप देख सकते हैं वीडियोस हम आपको दिखाएंगे किस तरह से एनसीसी कैडेट्स 150 के करीब कैडेट्स यहां पर थे जिन्होंने जाई घाटी में जो टूरिस्ट आते हैं कचरा फेंकते हैं, चाहे यहाँ का जो है झरने हो वहाँ पर जो गंदगी है, यहाँ का मैदान हो वहाँ पर गंदगी है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी जो है एनवायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं और ये अच्छा भी नहीं लगता है कि इतनी खूबसूरत वैली को है इस तरह से लोग जो है तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो एनसीसी कैडेट्स जो यहाँ पर आए हुए थे इन्होंने इस जाई वैली को, जाई घाटी को क्लीन किया और एक मैसेज दिया उन टूरिस्ट के लिए, उन लोगों के लिए जो यहाँ वैली में अक्सर और बेशतर आते रहते हैं, उनके लिए मैसेज है कि आप अगर यहाँ पर आते हैं इन्जॉय कीजिए, लेकिन जो है अपना जो कूड़ा करकट है वो जो है डस्टबिन में डालिए ताकि उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए और वैली ये जो है क्लीन और ग्रीन रहे। तो मेरे साथ कुछ कैडेट्स हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ इनने की, तो इनसे ही पूछते हैं। तो आप सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए और बताइए क्या आपने यहाँ पर आज किया। जय हिंद, आई जूनियर अंडर ऑफिसर नेहा कोतवाल फ्रॉम सेकंड जे एंड के इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी जीडीसी भद्रवा। आज हम पुनीत सागर अभियान के तहत हम STSW कैडेट सारे जो यहाँ जयपुर आए हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ की वाटर बॉडीज़ को क्लीन किया, साफ किया। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट देखा हुआ है, लोग आते हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट जो है वो फैला कर जाते हैं जी। तो हमने वही साफ किया है आज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपने हमें अपना नाम बताइए और बताइए क्या यहाँ पर अपन किया। जय हिंद, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर अपिका भारती फ्रॉम सेकंड जे एंड के इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी जीडीसी भद्रवा। आज हम यहाँ जाई वैली में आए हुए हैं पुनीत सागर अभियान के तहत। हमने नालठी में भी बहुत सारे इसके कैंपेन किए हुए हैं, डोर टू डोर गए, हम सबके घर में गए हुए हैं, सबको बोला हुआ है कि ये जो आप मतलब कुछ भी करते हो तो ऐसे फेंका मत करो। जैसे आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारा यहाँ पर हमें कूड़ा करकट मिला हुआ है, हमने यहाँ पर पूरी वाटर बॉडीज़ को साफ़ किया हुआ है और यहाँ पर आस पास की सब चीज़ें हमने साफ़ की है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताए और मैसेज क्या देंगे आप लोगों को जो यहाँ पर कूड़ा करकट जो है फेंकते हैं जाई वैली में। जय हिंद, माई सेल्फ कोमल। एंड सर, हम लोगों को पहले यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो पहले अपने घर से साफ़ सफाई रखना शुरू करें, अपना मोहल्ला क्लीन करें। एंड मतलब जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, लोग मतलब पिकनिक स्पॉट है जाई वैली, बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट है, और सर यहाँ पे लोग आते हैं गंदगी मचा के चले जाते हैं। सर हम लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आके अपना कूड़ा करकट जो है वो अपने साथ ही लेके जाएं और कहीं अच्छी जगह पे डंप कर दें, ऐसे ना फैलाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमें अपना नाम बताइए और आपकी तरफ से क्या मैसेज है। जय हिंद, ISU सोनम चाड़क फ्रॉम सेकंड जे एंड के इंडिपेंडेंट कंपनी NCC भद्रवा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टेड। सर आज हम जाई वैली में भद्रवा से आए हुए हैं, हमने यहाँ पर बहुत सारे STSW कैडेट्स ने यहाँ पर सफाई की है, तो हम चाहते हैं कि अगर ये ऐसे ही साफ़ रहे तो सबके लिए अच्छा है। और जो यहाँ पर आते हैं हमने साफ़ सफाई की है और हम चाहते हैं कि जो बाकी भी यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं वो अपना अपना कूड़ा घर ले जाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमें अपना नाम बताएं और आपकी तरफ से क्या मैसेज है जो यहाँ पर कूड़ा करकट फैला। जय हिंद, माई सेल्फ कैडेट आरती फ्रॉम सेकंड जे एंड के इंडिपेंडेंट कंपनी NCC GDC भद्रवा। हमारी तरफ से यही संदेश है कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके जो भी कचरा फैलाते हैं तो वो यहाँ पे आए, अपना कचरा जो भी वो फैलाते हैं वो फैलाएं मत, और वो ऐसे ही इकट्ठा करके ऐसी जगह पे ले जहाँ पे उसको रिसाइकल किया जाता है या कहीं जाके डंप कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बताएं और मैसेज क्या। जय हिंद, सो कैडेट सिमरन मनाज। सर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे घूमने के लिए लोग आते हैं वो अपनी जितनी भी मतलब उन्होंने खाने के सामान लिए वो एक जगह पे एकत्रित करके किसी डस्टबिन में जाके फेंक दे और यहाँ पे सफाई करे, क्योंकि ये नेचर का बना हुआ है एक जगह है और यहाँ पे बाहर की चीज़ें ना लाए, प्लास्टिक यूज़ ना करे। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम और मैसेज बताइए। जय हिंद, नाइस कैडेट सोनिया देवी फ्रॉम सेकंड जे एंड के इंडिपेंडेंट कंपनी NCC भद्रवा। और आज हम यहाँ जाई वैली में आए हुए थे पुनीत सागर अभियान के तहत। यहाँ पर जितना भी कूड़ा करकट था हमने वो सब साफ़ किया और हम सभी को कहना चाहते हैं कि कूड़ा ना फैलाए और पानी में भी ना डाले, वाटर बॉडीज़ को साफ़ रखें, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइए और क्या मैसेज। जय हिंद, कैडेट प्रिया कोतवाल। मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि जो लोग खुद यहाँ पे आते हैं इंजॉय करते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी सोचना चाहिए कि हमें इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि हर कोई आके हमें ये बता नहीं सकता कि हमें ये साफ़ सफाई करनी है।
उन्हें खुद सोचना चाहिए कि ये हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइए और क्या मैसेज आपकी तरफ से। जय हिंद सर, कॉर्पोरल निशिता देवी। तो मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी जाए में आते हैं, ये बहुत फेमस मतलब टूरिस्ट स्पॉट है, तो इसको गंदा ना करें। यहाँ पे डस्टबिन है, उनका प्रॉपर यूज़ करें। अगर वो घर ना ले जाते हैं तो डस्टबिन का प्रॉपर यूज़ करें, ऐसे गंदगी ना फैलाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप अपने नाम बताइए और क्या मैसेज आपकी तरफ से। जय हिंद सर, आई कैडेट शालू देवी आर्य। मेरा मैसेज यही है कि यहाँ पे हमने आज SWST यहाँ पे आए और हमने जाई वैल्यू को साफ़ किया है और अपनी मतलब कि जो भी गंद है वो साफ़ की है। और मेरा मैसेज यही है, हमने लोगों को मैसेज भी दिया कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं और जो भी गंद है वो डस्टबिन में फेंकें। और ये है कि घर से ही अपने सफाई रखें, तब भी जाके हमारी सेहत ठीक रहेगी और ये देश स्वच्छ रहेगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से NCC कैडेट्स यहाँ पर आए हुए हैं जाई घाटी में और सफाई अभियान जो है वो चला रहे हैं। पुनीत सागर जो आजकल इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उसके तहत जो यहाँ पर जाई घाटी में जो है सफाई अभियान है, तो NCC कैडेट्स आप देख रहे हैं 150 के करीब NCC कैडेट्स हैं और अच्छी बात है ये सफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये NCC वालों ने ठेका नहीं लिया यहाँ पर साफ सफाई का। ये जो है लोगों को भी सोचना चाहिए जो यहाँ पर आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उसके बाद जो सारा कूड़ा कचरा जो है वो फेंक जाते हैं। और दूसरी बात जो है, जो भद्रा डेवलपमेंट अथॉरिटी पर भी ये सवाल बनता है कि आप लोगों का तो हम कहीं कुछ देखते नहीं, आपने कभी कोई कुछ किया, कोई सफाई अभियान किया, जाई घाटी हो, पदरी हो, गुलडंड हो, कोई भी भद्रा का टूरिस्ट स्पॉट आप देखेंगे तो BDA जो ऐसा लग रहा है कोई खामोश बैठी हुई है। तो चंद साल पहले जो मैंने एक सवाल किया था, पिल्डोडा में एक उन्होंने वाटर बॉडीज़ का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, 2-3 करोड़ उसकी लागत थी और उस वक्त मैंने सवाल किया था कि पिल्डोडा के अंदर आप लोगों को बोटिंग कराएंगे, ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन BDA वाले उस वक्त अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हम जो आप देखेंगे एक नया जो है टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगी। लेकिन कुछ दिन पहले जो है वहाँ पर इतना पानी बढ़ गया कि आज ना तो वहाँ पर वो कोई बोट दिखाई दे रही, ना वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। 2-3 करोड़ रुपए का जो है BDA ने लॉस किया और वो चिनाब में फेंका। अगर वही 2-3 करोड़ रुपए आप जाई में सर्व करते, बाथरूम बनाते या और कुछ जो क्लीनलेस के लिए कोई प्रोग्राम यहाँ पर रखते, या आपने जो आपके डेली वेजर उनको आप तनख्वाह देते, वो कुछ सफाई वफाई करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। खाली जो है शोशेबाजी है, BDA जो है नाम की BDA रह गई है और जाई वैली इतनी खूबसूरत वैली, स्विट्जरलैंड के साथ इसको कंपेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ की हालत आज ये है कि NCC कैडेट्स को यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ पर जो कचरा उठाना पड़ा। तो ये BDA पर जो एक सवाल बंद और शर्मनाक सवाल है उन पर कि आप लोग जो है बड़े बड़े ढींगे मारते हैं लेकिन ग्राउंड पे आप कहीं भी नहीं हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आपका जो है भद्रवाह के अंदर नहीं चल रहा है, भद्रवाह को प्रमोट करने के लिए, भद्रवाह के टूरिस्ट जगहों को प्रमोट करने के लिए नहीं चल रहा है। बहरहाल जो आज NCC कैडेट्स ने यहाँ पर जो है एक बीड़ा उठाया, जो पूरी जाई घाटी को साफ़ कर रहे हैं, यहाँ के दरियाओं को साफ़ कर रहे हैं, अप्रिशिएबल है और इनको हम शाबाशी देते हैं और इन फ्यूचर भी यही उम्मीद करते हैं कि NCC जैसा काम करती है ऐसा ही करती रहेगी। बाकी BDA की बात तो उन पर सवाल उठता है और इन पर जो खास तौर पे कहता हूँ, इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो इतना पैसा इनके पास आता है वो जाता का है, जो टूरिस्ट को प्रमोट कर टूरिस्ट स्पॉट को प्रमोट करना होता है वो कोई प्रमोट करता नहीं है। खाली जो है ये 15 अगस्त से 26 जनवरी या कोई एक इवेंट करा देते हैं और वहीं पर अपना जो है चटा पटा लेकर जो है खामोश बैठते हैं। कैमरामैन माजिद अंसारी के साथ मैं नासिर केशा, जाई घाटी, भद्रवाह।